भैया और राम राम, आप और देख रहे बुंदेली चुगली, हम है राजेंद्र त्रिवेदी। मचो का है जो तो आप जानते हो बुंदेली चुगली की खबरें कैसी रहती। मचो का है जो एक वन विभाग के अधिकारी सतना से ट्रांसफर होके अजय द्विवेदी, सतना से ट्रांसफर होके आए भी छतरपुर। भैया छतरपुर आके उन्हें रेस्ट हाउस में जैसे तैसे अधिकारियों ने कर्मचारियों ने तक पहुंचाओ। उनकी रिपोर्ट कोरोना की आई पॉजिटिव। पॉजिटिव रिपोर्ट आई उमें रेंजर को रोल का है जयप्रकाश मिश्रा रेंजर छतरपुर वन मंडल, उनको रोल का है कि जैसे ही उन्हें पता चलो कि भैया द्विवेदी जी कोरोना पॉजिटिव है, उनकी मिसेज कोरोना पॉजिटिव है, तो इन्हें तत्काल अपनो फर्ज का अदा करो। एक अधिकारी के संगे इन्हें करो का के लाइट कटवा दई, पंखा एसी सब बंद। इसके बाद जब उन्हें तना शिकायत भाई कि भैया ताला लगा दो, किचन में ताला लगा दो, खाना पीना सब बंद। जब लाइव प्रस्तुति हम दे रहे बुंदेली चुगली चैनल के माध्यम से, जब लाइव प्रस्तुति हम आप लोगों लोग भेज रहे, आज हम आए हैं फॉरेस्ट विभाग के नहीं एसडीओ साहब के पास अजय द्विवेदी। मियां बीवी दो भैया आप देख सकत सामने हैं। जब लाइव प्रस्तुति हम यही दे रहे हैं कि कम से कम प्रशासन की आंखें खोलें, प्रशासन चेते कि आखिर मचो का है जो एक अधिकारी के संगे जब ऐसा हो सकत तो आम आदमी के संगे का नहीं हो सकत। जब भैया यही के लाने प्रस्तुति बुंदेली चुगली चैनल यही के लाने जानो जात थक्का ठाई के लाने के जो है सामने रखने हमें। अब इनकी खाना की कंडीशन का भाई कि किचन में तालो लगा दो, वो लाइट हालांकि चालू है पंखा चल रहा है, लेकिन खाना की स्थिति देखियो भैया। हम एक एक चीज गौर से देखो, अभी जेब पैकेट ऐसे रख दिए गए, 3 दिन पहले के जेब पैकेट रखे भैया, अब उन्हें खुद पतो नहीं है कि को रख गो काय पे पॉजिटिव हो गए तो उन्हें तो बंद कर दोगे, लेकिन जो रखो है पतो नहीं है को रख गो कैसो रख गो। और हम आपका जो भी दिखवा भी टीमें है का देखो आप कि शायद जानवर भी ऐसो खाना ना खे हैं जैसे उन्हें पैक करके ऐसो फेंक दोगे। एक अधिकारी के संगे वन विभाग के एसडीओ है जी अजय दुबे, सतना से ट्रांसफर होके आए, वे अपनी नौकरी पे आए, अपनी ड्यूटी पे आए, लेकिन अंजाम क्या होगा, कैसी बुरी स्थिति में पहुंचा दो इतने के अधिकारी। और इनमें सबसे बड़ा दोष की को है डीएफओ को, डीएफओ का संज्ञान में जो मामला लव चाहिए। अजय दुबे के साथ जो भाव है एसडीओ के साथ, जयप्रकाश मिश्रा रेंजर की करतूत है जा, आखिर कौन सी दुश्मनी हती, का ऐसो हतो इनके बीच में ऐसो का मामला हतो कि दुबे जी से ऐसो बदला इन्हें निकालने हतो। जब बुंदेली चुगली की लाइव प्रस्तुति भैया यही के लाने हम दे रहे, उनको फोन पहुंचो कि भैया हमारी क्या कंडीशन है, मियां बीवी हम दो ही जने हैं, उनको देखो भी जा सकत हाल का है, दो ही जने उनको कैसी परिस्थिति में है, लेकिन वे डरे हैं न तो कोई है न कोई देखवे वालों है न पूछवे वालों, जो भैया पानी धरो जात इनके लाने, जैसे जेल में कैदी बेड़े जात वही हाल इनको कर दोगे द्विवेदी हनको। ये बैठे मियां बीवी दो जने जो पानी रखो, अब जो नहीं पता को पानी को धर को कैसे आ जात का हो जात। बाकी इनकी कंडीशन जो है भैया इनकी कहानी है नहीं कि जुबानी, लाइव प्रस्तुति के माध्यम से हम आप लोगों का दिखा रहे। हालांकि उनने तारीफ करी अंजू लोधी, हम विशेष तौर पर जिक्र भी कर भी उनने, हमने फोन में जो बात भाई हमारी तो द्विवेदी जी ने जिक्र करो है एडीएम बीबी गंगेले को, तहसीलदार अंजू लोधी नायब तहसीलदार, उनने तारीफ करी मुक्त कंठ से तारीफ करी। और तीसरी तारीफ की करी भगवत अग्रवाल जटाशंकर होटल कि आप बताइए क्या सेवा है, आप क्या खाएंगे, मैं भेजूंगा। जो फर्ज की को आज जो फर्ज आए शासन प्रशासन को, कहाँ गए जे नेता, कहाँ गए जे विधायक, कहाँ गए जे समाज सेवी। एक अधिकारी के संगे जो हो रहा कोखा पतो नहीं है, कोखा जानकारी नहीं है, गलत नहीं, सबका पतो है, सबका जानकारी है, निकल भी चुको मीडिया में आ भी रहो, लेकिन भैया आवाज दबाई जा रही, आवाज दबा दी, लेकिन बुंदेली चुगली नहीं दबत, बुंदेली चुगली यही के लाने डालो जानो जान, निडर निष्पक्ष निर्भीक खबर के लाने। भैया राजेंद्र त्रिवेदी को नाम आप लोगों का पता भी, हम ऐसे ही खबरें दी, बुंदेली चुगली यही खबरें लगाऊ। आज हम सीधे आ गए उनके रेस्ट हाउस में जहां उन्हें कैद करोगे तू, जेपी मिश्रा के द्वारा हम बार बार जिक्र कर भी,
रेंजर जेपी मिश्रा के द्वारा जहां ताला लगा दिए गए थे किचन में, कमरा के अंदर राव बाहन में, भैया ऐसी नाइंसाफी का एक अधिकारी के संगे, वो भी ये उम्र में, वे 40 साल से सेवा कर रहे शासन की, वे उनकी मिसेज बैठी, वे भी बीमार हैं, उन्हें कई बीमारी हो गई, पहले की हैं, लेकिन बेचारे आज ड्यूटी निभावो, अपनो फर्ज निभावे के लाने बेटे हैं, जान से बाजी लगा के भी अबे इते पे बे सब कछु अपनो समर्पण करके तन मन के भैया हमें ड्यूटी करने, फर्ज को अंजाम देने, काय वन विभाग एक विशेष विभाग का। लेकिन जेपी मिश्रा से आखिर हम बार बार सवाल कर भी, अबे अगर मौका मिले तो हम डीएफओ से मिल भी, डीएफओ से भी हम जो सवाल कर भी कि आखिर ऐसो भाव काय मचो का है जो। अब भैया उनकी कहानी अजय द्विवेदी जी एसडीओ वन विभाग, उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी हम आपका सुनवा रहे लाइव प्रस्तुति के माध्यम से, आप सभी जन सुनो। सर आपके साथ काका बहु कैसो बहु, कब आए हो आप रिलीफ, कब भाई तो कब ज्वाइन करो, काका बहु आपके साथ। मेरा नाम अजय दुबे है, मैं सतना में डिप्टी एमडी तेंदुपत्ता में था 3 साल से, मेरा ट्रांसफर फरवरी में हुआ था और मेरे सेवा काल को 1 वर्ष बचा हुआ है सेवानिवृत्ति को, 40 साल की मेरे सेवा पूरी हो चुकी है। और जब मेरा स्थानांतरण हो गया तो मैं उमरिया पेशी में गया हुआ था किसी कारण से बयान देने के लिए, उसी समय मुझको सतना से भारमुक्त कर दिया गया बिना प्रभार दिलाए। मेरी पत्नी की तबीयत चूँकि भोपाल में कुछ गड़बड़ हुई थी, मेरी बिटिया भोपाल में रहती है कोचिंग करती है, तो मेरी पत्नी भी वहीं पर थी, तो मैं उमरिया प्रवास में था, उसी समय मुझको जानकारी मिली कि मेरे पत्नी की तबीयत गड़बड़ है, तो मैं भोपाल चला गया। मेरी भोपाल से रेस्ट हाउस में रुका था, मेरी वहाँ से मेरे डीएफओ साहब राजेश राय साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने मेरा हालचाल जाना, मैंने उनको बताया कि सर ऐसा ऐसा मेरे पत्नी की तबीयत गड़बड़ थी तो मैं भोपाल आ गया। बोले ठीक है दुबे जी आप कब लौटोगे, मैंने कहा सर 1-2 दिन में मैं लौट आऊँगा 5-6 तारीख तक। उसी बीच मुझे 6 तारीख को मालूम चला, मैं भोपाल में अपने वरिष्ठ अधिकारी अपने MD से जो प्रबंध संचालक राज्य लघु वनोपज संघ के थे और हमारे हाफ मिस्टर PCCF राजेश श्रीवास्तव साहब बहुत ही सज्जन आदमी और हमारे रमेश श्रीवास्तव साहब RK यादव साहब जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, करीब करीब सभी अति वरिष्ठ अधिकारी मुझको व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं। और कुछ उसका कारण ये भी है कि मेरे जो फादर इन लॉ थे वो भी अच्छे पद में थे, वो भी 80-81 में यहीं छतरपुर में DFO हुआ करते थे दामोदर प्रसाद तिवारी जी, और काफ़ी सीनियर अधिकारी थे, तो उनकी छवि को देखते हुए भी मुझे विभाग में सभी अति वरिष्ठ अधिकारी काफ़ी स्नेह भी करते हैं, प्रेम भी करते हैं और मुझको मेरी अपेक्षा से अधिक मुझको सम्मान भी प्राप्त होता है। और मेरे पिता भी अच्छे पद में थे, सेल टैक्स में एडिशनल कमिश्नर थे, और मैं अपने पिता और अपने फादर इन लॉ की छवि को दृष्टिगत रखते हुए मैंने भी अपने पूर्ण सेवा काल में प्रयास यही किया कि मैंने ईमानदारी से और कर्तव्य निष्ठा के साथ मैंने अपनी पूरी नौकरी की। मगर ये सेवा के अंतिम 1-2 वर्ष में जो मेरे को पीड़ा और दुख हो रहा है ये शायद मुझे इसके पूर्व कभी अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि सभी अधिकारियों से मुझे मेरे DFO और कंजर्वेटर हमेशा स्नेह प्रेम मिला और मैंने उनके निर्देशों का अनुशासित कर्मचारी की हैसियत से पालन करता रहा। चूँकि मेरा 1 वर्ष बचा था और मेरे पुत्र पुत्री दोनों अविवाहित हैं, दोनों इंजीनियर हैं और दोनों के शादी उदी करना भी मेरे नैतिक दायित्व और कर्तव्य के अंतर्गत आता है, तो मैंने शासन प्रशासन यहाँ तक कि माननीय मंत्री जी कुंवर विजय शाह साहब से भी अनुरोध किया, अपने अधिकारियों से किया, अपना प्रतिवेदन अभ्यावेदन दिया, सभी ने मुझको आश्वस्त किया, माननीय मंत्री जी ने भी मुझे आश्वस्त किया कि दुबे जी आपका निश्चित रूप से आदेश या तो निरस्त हो जाएगा या संशोधित करके आपको उसी तरफ कर दिया जाएगा ताकि आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकें।
और मेरे साथ मेरी माता जी, 93 साल की मेरी माता जी रहती हैं, और मेरा छोटा भाई भी है, उसकी पत्नी को भी लीवर डिजीजेज हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं यहाँ पर जब आया तो 1-1.5 माह मैंने करीब करीब भार मुक्त होने के बाद भी मेरा आदेश भी त्रुटिपूर्ण है। मैं प्रतिनियुक्ति में लघु वनोपज संघ में था, मगर मेरे आदेश में शासन ने मुझको प्रतिनियुक्ति से वापस ही नहीं लिया है और मुझे संलग्न अधिकारी वन व्रत कार्यालय कर दिया। तो मैंने इसके संबंध में भी अभ्यावेदन वगैरह दिया तो सभी ने इस त्रुटि को माना, बोले निश्चित रूप से संशोधन हो जाएगा। मगर मैंने अपने अधिकारियों से उनके निर्देश और उनके सलाह पर मैंने यह निर्णय लिया कि सेवानिवृत्ति का समय है तो छुट्टी जाया न की जाए, तो इसलिए मैंने 30 तारीख को कार करके सतना से अपनी पत्नी को लेके आ गया। मेरी बेटी भोपाल में रह रही है और मेरा बेटा सतना में है, तो हम पति पत्नी दोनों वहाँ से चले और बिना कहीं रुके हुए, चूँकि कोरोना का संक्रमण काल है, बिना रुके हुए सीधे अपने वन संरक्षक कार्यालय गए। वहाँ हमने अपनी ज्वाइनिंग दी और ज्वाइनिंग दे के, अब चूँकि हमको रेस्ट हाउस वगैरह नहीं मालूम था, तो आदरणीय कुशवाहा जी कोई बाबू साहब हैं, वो अपने साथ हम लोगों को लेके आए और यहाँ हमारे रुकने की व्यवस्था वन विश्राम गृह में कर दी। यह बात सही है कि जब मैं सतना से चला था तो मैंने रास्ते से आदरणीय DFO साहब को 2-3 बार फ़ोन लगाया कि मैं उनसे अनुरोध कर लूं कि सर मैं आ रहा हूं सपत्नीक, तो मेरे रुकने के लिए आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि मुझको रेस्ट हाउस मिल जाए, किंतु DFO साहब कहीं व्यस्त रहे होंगे और अननोन नंबर रहा होगा तो मेरा फ़ोन नहीं उठा सके। मैं ना रेंजर से परिचित था, ना SDO से किसी से परिचित तो था नहीं। फिर मैंने किसी भी तरह अपनी टेलीफोन डायरेक्टरी से रेंजर का नंबर देख के उनको लगाया, मैं परिचित नहीं था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा DFO साहब को फ़ोन लगा रहा हूँ, लगने रेंजर जयप्रकाश मिश्रा। अब रेंजर कौन थे मुझे नहीं मालूम, उसमें मेरे पास डायरेक्टरी में RO का नाम था, तो वो नंबर मैंने लगाया। उन्होंने तुरंत फ़ोन उठाया रेंजर साहब ने और बड़े प्रेम से और बड़े सम्मान के साथ मेरा अभिवादन करते हुए मुझको कहा, तो मैंने कहा कि मैं DFO साहब को फ़ोन लगा रहा हूँ, मेरी बात नहीं हो पा रही है, आप उनसे मेरी तरफ से निवेदन कर लें और मुझको रेस्ट हाउस में रुकने की अनुमति दिला दें और मैं तो 4-5 दिन रुकूंगा, उसके बाद मैं अपनी समुचित व्यवस्था कर लूँगा। तो बोले ठीक है सर, आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आश्वस्त होकर सीधे ऑफिस से ज्वाइन करके यहाँ मैं आया। आते ही साथ तो जो कमरा द्वयम स्तर के अधिकारियों के लिए SDO रेंजर के लिए होता है, उस कमरे को मैंने पहले खुलवाया देखा, क्योंकि मैं अपनी पात्रता के हिसाब उसी कमरे में रुकने का अधिकारी था, तो मैंने वो कमरा खुलवाया देखा। तो उसको देखा, चौकीदार ने बताया कि साहब इसका AC भी नहीं चलता है, इसका पंखा भी ख़राब है, सब कुछ है, आप इसमें रुक जाइए। तो मैंने बोला ये कमरा तो बड़े अधिकारियों, बोले हाँ सर मगर अब वो ख़राब है तो आप इसमें रुक जाइए, तो हम उसमें रुक गए। दूसरे दिन हमको मालूम चला कि उस कमरे का भी बाथरूम का न फ्लैश चल रहा है और न शॉवर चल रहा है, इससे कोई आपत्ति नहीं हुई, TV भी नहीं चल रहा था। तो मैंने किसी भी तरह निवेदन किया, एक रजनीश द्विवेदी जी फॉरेस्ट गार्ड आए 1 घंटे बाद, तो मैंने उनको भी पैसे दिए 800 रुपये। मैंने कहा कि हालांकि हम अपने साथ दाल चावल वगैरह ले के आए थे, हमको मालूम था कि कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, तो हमको हो सकता है कि तत्काल व्यवस्था न हो और रात का खाना दिन का खाना हम लोग बना के लेके आए थे साथ में, तो उनको पैसा दिया 500 रुपये। मैंने चौकीदार को दिया और मैंने कहा जो भी आवश्यकता हो, दूध चाय की पत्ती अन्य सामान सब ले आना, और चौकीदार को हिदायत दी कि तुम कहीं बाहर मत जाना, जो भी हो हम लोगों को खाना बनाना खिलाना और तुम भी यहीं खाना, मगर बाहर बिल्कुल मत जाना, कोरोना फैला हुआ है। क्योंकि चूंकि वो छोटा कर्मचारी है, उसकी कितनी बुद्धि काम करती, इस उद्देश्य से मैंने उसको समझाया बताया। उसने बोला नहीं सर मैं तो बाहर रहता हूँ 8-10 किलोमीटर दूर, कभी कभी जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। उसने मुझे 30 तारीख को बढ़िया खाना बना के खिलाया बड़े प्रेम से, 1 तारीख को बना के खिलाया, 2 तारीख को भी सवेरे बनाया, 2 तारीख को मेरी पत्नी को, हम लोग बिल्कुल स्वस्थ थे,
मैं डायबिटिक हूँ और मेरे को पेसमेकर भी इम्प्लांट हुआ है 19 में, और कार्डियक पेशेंट भी हूँ, आँख में भी थोड़ी बहुत तकलीफ थी। मिसेज डायबिटिक तो नहीं, मगर प्रो डायबिटिक हैं, तो वो भी प्रकाशन लेती हैं। तो हम लोग अगर ये सोचने वाली विचारणी भी सही, यदि मैं कोरोना पॉजिटिव होता या मेरे को कोई तकलीफ होती, तो अगर मैं 1.5 माह तक नहीं आया था तो मैं क्यों छतरपुर आता? मैं किसी भी कीमत में नहीं आता, जैसे 1.5 महीने वैसे 2 महीने वैसे 2.5 महीने इस संग। मगर चूंकि मैं स्वस्थ था और मैंने आना उचित समझा, और हमारे वन विभाग में मैं भी रेंजर 40 साल की सेवा पूर्ण हो गई, हम लोगों ने भी वह रेंजरी की है और बड़े दुर्गम क्षेत्रों में की है, अमरवाड़ा वगैरह जैसे में व्यवहारी में, तो हम लोग भी रेस्ट हाउस को मेंटेन किए हुए हैं। हम लोग तो इस तरह के थे पहले के अधिकारी रेंजर लोग कि रेस्ट हाउस में, वन विभाग के रेस्ट हाउस हमेशा सुदूर क्षेत्रों में इंटीरियर में होते हैं। रेस्ट हाउस में कौन जाएगा श्रीमान जी? रेस्ट हाउस में वही आदमी जाएगा जिसको रेस्ट हाउस में रुकने की पात्रता होगी, या कोई भूला भटका होगा, या कोई परेशान व्यक्ति होगा, या कोई दंपत्ति होगा, रात का समय होगा। तो हम लोग तो अपने रेस्ट हाउस में हमेशा दाल चावल चाय शक्कर दूध पटक के रखते थे कि कोई भी आदमी रात को 9-10 बजे के बाद यदि आ जाता है भूला भटका, तो चौकीदार को ये स्टैंडिंग ऑर्डर थे कि तुम हमसे मत पूछने आना, हमको डिस्टर्ब रात को मत करना, चुपचाप खोल के रेस्ट हाउस उनको रुका देना, चाय पानी नाश्ता खाना खिला देना, सवेरे बात कराना। और ये ऐसा कई बार हुआ है अमरवाड़ा रेंज में, मैं वहाँ रेंज ऑफिसर रहा हूँ 2 साल, मगर और इस तरह का, मगर मैं उसी आशा और उसके अनुरूप आया, और मुझको कहीं भी मैं जाता हूँ तो मैं होटल वोटल में रुकने के बजाय, मेरे को कुछ शासन और प्रशासन और सबके सहयोग से हमेशा रेस्ट हाउस उपलब्ध ही हो जाता है, चाहे वन विभाग का हो, चाहे फॉरेस्ट का हो, चाहे इरिगेशन का हो, चाहे PWD। यहाँ पे आके आपके साथ नहीं, तो बता रहा हूँ कि मैं यहाँ आया तो हो गया, ठीक है, मैं रुक गया 4 तारीख को, 2 तारीख को मिसेस को थोड़ा सा तकलीफ हुई, तो मिसेस को मैंने CMHO साहब को फ़ोन किया, CMHO साहब को और सिविल सर्जन, तो उन्होंने डॉक्टर भेज दिया मेरी रिक्वेस्ट पे, डॉक्टर आए तो हम दोनों ने अपनी अपनी जाँच कराई, और एक रजनीश द्विवेदी फॉरेस्ट गार्ड है तो वो भी आए थे, तो उन्होंने बताया था कि उनका पड़ोसी पॉजिटिव है, तो मैंने उनको समझाया कि कोई आने की जरूरत नहीं है, आप भी सुरक्षित रहिएगा, मास्क उस्क लगाइए, तो मैंने उनको भी बुला के उनकी भी जांच करा दी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको कोई तकलीफ हो, तो उनकी तीनों की जांच हुई, 3 तारीख को सब ठीक रहा, 4 तारीख को दोपहर में हम लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव हमारे मोबाइल में आई। जैसे ही मिसेस के मोबाइल में आई, मेरे मोबाइल में ये मोबाइल है तो मेरे में तो व्हाट्सअप आता नहीं है, मिसेस के मोबाइल में आया तो हम लोगों की पॉजिटिव आई, तो मैंने तुरंत फ़ोन लगा के मुंशी जी को बोला, द्विवेदी को, कि आप भी अपनी रिपोर्ट देख लीजिए, और CMHO साहब से मेरी बात हो गई, उन्होंने बोला है कि 1075 में आप फ़ोन लगा के बता दीजिए, आपको दवाइयां उपलब्ध हो जाएंगी। तो मैंने कहा ठीक है, और मैंने उनके निर्देशानुसार तो रिपोर्ट तो हमने उनको फोन पर, तो 15 मिनट आधे घंटे के अंदर पता नहीं किसने किसको कैसे क्या, अच्छा मैं यहाँ आया तो ना मैं कंजर्वेटर साहब से मिल पाया, ना मैं DFO साहब से मिल पाया, ना STO साहब से, ना रेंजर, मैं ना किसी को जानता था, ना पहचानता था, ना मैंने फेस देखा, ना मुलाकात एक द्विवेदी बाबू कुशवाहा बाबू को छोड़ के, और यहाँ आके रजनीश द्विवेदी को और चौकीदार को। तो मेरा किसी से आंतरिक कलह दुश्मनी होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। आज 40 साल की सेवा में मैंने मेरी जानकारी में किसी के साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास नहीं किया, यदि भूल चूक से कहीं हुआ भी होगा और मेरे को जानकारी, तो मैंने उससे अपोलोप्लाइज्ड ही किया होगा कि धोखे से हो गया होगा। यह बात सही है कि कभी कभार प्रशासनिक दृष्टिकोण से मेरे को डांटना फटकारना पड़ता है, तो डांट फटकार जरूर देते हैं, मगर मैं कभी किसी को आके फिर आपके संगे काम, तो मेरे साथ बस ये हुआ कि 4 तारीख को दोपहर को जैसे हुई तो रेंजर इनको कैसे खबर लगी क्या है, तो CCF के बाबू को जरूर फोन आया मेरे पास कि साहब का कहना है कि सर आप कोरोना पॉजिटिव हो गए। मैंने कहा हाँ भैया हो गए हैं, तो
तो हमने बोला आपको किसको मालूम, कैसे मालूम चला? बोले सर साहब ने अभी बताया है। तो मैंने बोला अच्छा हाँ ठीक है। बोले साहब का कहना ये है, निश्चित रूप से मेरे कंजर्वेटर साहब ने मेरे हित में ही सोचा है, तो उन्होंने ये कहा कि दुबे जी को अगर जाना है तो दुबे जी अपने घर सतना जा सकते हैं और ठीक हो जाएंगे तो आ जाएंगे। तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया और फ़ोन रख दिया। थोड़ी देर बाद फिर मेरे बाबूजी का फ़ोन आया, तो फिर उन्होंने कहा कि साहब बोल रहे हैं कि अगर दुबे जी जाना चाहें तो जा सकते हैं और आ जाएं। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया और मैं यहाँ करोना, तो मेरा सतना जाने का औचित्य इसलिए नहीं है कि मेरी माताजी 93-94 साल की हैं और मेरी छोटे भाई की पत्नी लीवर डिजीज की वो है, तो मैं संक्रमित होने की स्थिति में वहाँ नहीं जा सकता हूँ, मैं जहाँ हूँ यहीं रहूँगा। तो ये है, तो उनको कोई आपत्ति नहीं, बल्कि मेरी फ़ोन में ज़रूर चर्चा हुई थी CCF साहब से ज्वाइनिंग के दिन, तो मैंने उनका सम्मान करते हुए उनसे निवेदन किया। मैंने कहा सर मैं आ गया हूँ, आपसे अनुरोध है कि रेस्ट हाउस के लिए DFO साहब को बोल के मुझको दिलवा। बोले कि बंद है सब जगह। तो ये तो फिर कुछ बात नहीं, फिर मैंने भूख, हम डायबिटिक है तो भूख लग रही थी तेज़ी से, जो हमारे पास कुछ थोड़ा बहुत रखा खाए पिए। फिर मैंने पटवारी का, किसी पटवारी का फ़ोन मेरे मोबाइल पे आया, तो बोले सर आप क्या कोरोना पॉजिटिव? मैंने कहा, मैंने कहा आप कौन है, कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या? बोले मैं पटवारी हूँ। तो मैंने कहा आप अपने SDM का नंबर दे दीजिए, तहसीलदार। बोले सर मेरे पास नहीं है। तो मैंने कहा आप पटवारी जी कैसे हैं जो आपके पास नंबर, आप कहीं से भी पता करके मुझको नंबर दीजिए, फिर मैं आपको सब जानकारी देता हूँ। उन्होंने मैडम अंजू लोधी का नंबर दिया, बोले नायब तहसीलदार हैं। तो यहाँ हमारे यहाँ कोई चौकी चौकीदार नहीं, रात को खाना तो सुन लीजिए ना। अंजू लोधी जी को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा मैडम ऐसा ऐसा, हम लोग यहाँ फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुके हैं और ताला ओला किचन का बंद हो गया, हम लोग भूखे हैं, हम लोगों को भोजन की आवश्यकता था। तो उन्होंने बोला सर मैं अभी व्यवस्था करती हूँ, और उनसे मैं कोई परिचित नहीं था, मगर उनका व्यवहार मुझको इतना अच्छा, हृदय स्पर्शी रहा। अंजू लोधी नायब तहसीलदार का। हाँ। तो उन्होंने तत्काल किसी को फ़ोन किया और बोला कि आपको अभी फ़ोन आएगा। तो मेरे पास 10 मिनट बाद भागवत अग्रवाल जी का फ़ोन आया, तो बोले सर आप क्या खाना खाएंगे क्या? तो मैंने कहा भैया बहुत तेज़ भूख लगी, आप खाना पूछ रहे हैं, आप तो कुछ भी भेज दीजिए खा लूँगा। उन्होंने नहीं सर ऐसा है। तो उन्होंने मेरे को खाना, उन्होंने दाल चावल रोटी सब्जी। अब आपके विभाग से क्या शिकायत है? विभाग से आपका क्या? मैं विभाग से अब शिकायत क्या है, अब ये ऐसा है कि खाना भेजा, उसके बाद दूसरे दिन फिर उन्होंने पूछा खाना भेजा, तो खाना भेजते रहे। 2-3 दिन के बाद मेरी गंगेले साहब से बात हुई, बोले दुबे जी मैं ये हूँ आपको मदद की। मैंने कहा नहीं सर आपकी आवश्यकता नहीं है, अंजू जी मेरी मदद कर दिए। और जब मैं यहाँ पर, हमको एक दिन शायद 6 तारीख है या 7 तारीख कि ऊपर पानी रहा होगा, तो वो बाथरूम का पानी भी ख़त्म हो गया और पीने का पानी जो हम लोगों के बॉटल वॉटल में था वो भी ख़त्म हो गया। तो थोड़ा परेशान हुए, तो मैंने SDO का नंबर लगाया, तो परमार जी ने उठाया, तो मैंने बताया, मैंने कहा साहब हमारे रेस्ट हाउस में कि उसमें ना पानी हमारे पास पीने का ना उसमें। तो उन्होंने बोला अभी मैं व्यवस्था कराता हूँ। तो उन्होंने बोला कि साहब आप बाहर रख दीजिए। तो फिर उन्होंने कैसे व्यवस्था कराई, तो पानी ओनी बाथरूम में आ गया, पीने का पानी का उन्होंने ये कंटेनर फिर भिजवाया, वो बाहर रख गया दोपहर में, कौन रख गया नहीं ये भी नहीं मालूम, फिर मैसेज ने उठा के अंदर रख दिया। खाना कौन रखो जो भी नहीं मालूम। इसके बाद बता रहा हूँ कि 8 तारीख को जब मेरे धैर्य की परीक्षा पराकाष्ठा हो गई और मेरी व्यवस्था खाने की अंजू लोधी जी करती रहीं, गंगेले साहब प्रशासन का सहयोग मिला, CMHO का मिला, मगर हमारे विभाग का कोई भी न छोटा न बड़ा कर्मचारी इस तरह कि मैं कोरोना हो गया तो क्या कैंपस के बाहर, क्या कोरोना पूरा कैंपस कोरोना स्थित हो गया, कोई बाहर दूर से भी बात करने का, फ़ोन करने का किसी ने वो नहीं किया। चौकीदार बहुत अच्छे थे, मनीराम जी खाना बनाए, 4 तारीख को कोई बारेलाल चौकीदार है वो आए थे, तो 3-4 दिन से कोई रेस्ट हाउस में साफ सफाई नहीं थी। तो मैंने अपने ही संरक्षण में तो सवेरे के टाइम पूरा कमरा और रेस्ट हाउस धुलवाया था, और बारेलाल जी वो शाम से ऐसा व्यवहार बदल गया, कोई चौकीदार कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर जब उनको मैंने बताया तो उन्होंने बोला कि SDO साहब ने कि रेंजर साहब बोल रहे हैं या कोई बोल रहा है, कौन सही क्या सही, कि
आप कोरोना पॉजिटिव है तो कोई नहीं जाएगा और कोई खाना नहीं बनाएगा, कोई ये नहीं करेगा, कोई वो नहीं करेगा। तो मैंने कहा मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है। ताला किचन में कीने लगो, किचन में ताला, मुझको कुछ नहीं मालूम कौन है। 4 तारीख को दूसरे दिन श्रीमती जी ने हमारे 5 या 6 तारीख को देखा तो खिड़की से खोल के कमरे के अंदर खिड़की देखा तो वहां से ताला बंद दिखा। तो फिर ये यहाँ का ये ड्राइंग रूम है तो ये ड्राइंग रूम से खोल के अंदर गए तो वो पीछे से भी दरवाजा बंद था। तो हम लोग इधर अंदर थे और पीछे से भी कोई दरवाजा, तो मिसेज ने देखा सुना तो बोला ताला बंद है, ये है तो ऐसा भी हो। और फिर उसके बाद हमको कोई मतलब ही नहीं, जब हमको भोजन दोनों टाइम मिल रहा था। ये बात सही है कि 4, 5, 6, 7, 8 हमको चाय नहीं मिली, हम लोग बिना चाय के रहे, बिना दूध के रहे, कुछ रहे। वो तो 8 तारीख को जब पराकाष्ठा हो गई और मेरे सहनशीलता के बाहर हो गई तो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी अशोक वर्णमाल जी हैं, बहुत सज्जन, बहुत अच्छे अधिकारी और सुलझे हुए अधिकारी हैं, और मैं उनके नाम से और उनसे परिचित था तो मैंने किसी भी तरह साहस जुटा के सीधे उनको फ़ोन पे बात किया। उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और बड़े प्रेम से उन्होंने मुझे समझाया। अब आपका जहाज शासन के लिए तो उन्होंने प्रेम से समझाया, सब कुछ उन्होंने व्यवस्था बनाई। उसके बाद एसडीओ साहब ने मुझको बोला कि फ़ोन आया, बोले कि आपका किचन खुल जाएगा। मैंने कहा ठीक है खुल भी जाएगा तो खाना कौन बनाएगा, मेरी मिसेज भी कोरोना पॉजिटिव, मैं भी हूँ, तो सामान तो मेरा जरूर निश्चित रूप से रखा होगा, 1,500-2,000 रुपये मैंने दिए, सब सामान रखा होगा मेरा, तो खाना कौन बनाएगा जब मिसेज भी है, तो खुल भी जाएगा तो मेरे किस काम का। और मेरी अब व्यवस्था तो हो गई, आज 4 तारीख से 8 तारीख हो गई, अब खुलेगा तो क्या क्या, 4 दिन से मैं भूखा थोड़ी ना हूँ, मेरी व्यवस्था तो हो गई है, मगर सहयोग मुझको विभाग का कुछ नहीं मिला है। तो बोले कि ठीक है, तब उन्होंने मुझको जानकारी दी क्या सही क्या गलत, ये तो एसडीओ साहब ही बताएंगे और रेंजर साहब बताएंगे और सीसीएफ बताएंगे, कि उन्होंने सीसीएफ साहब का निर्देश था कि किचन खोल दिया जाए, तो उन्होंने रेंजर साहब को मैसेज दिया कि किचन खोल दीजिए, तो उन्होंने किचन खोलने से इनकार कर दिया। तो एसडीओ साहब ने बोला कि सीसीएफ साहब का निर्देश है खोल दीजिए, तो बोले कि किचन नहीं खोलेंगे, कोई चौकीदार जाए कि काम नहीं करना चाहता। और जो यहाँ चौकीदार था उस चौकीदार की भी मेरी जानकारी के अनुसार और लोगों के बताए कि उसकी भी ड्यूटी यहाँ से बदल के अन्यत्र ऑफिस में लगा दी गई अथवा अपने घर में लगा ली गई, नहीं मालूम मुझे कि कहाँ लगा, मगर कोई चौकीदार यहाँ नहीं रहता था और कोई नहीं दिखता था, पीछे से हम लोग देखते भी थे तो ताला हमेशा बंद दिखता था। तो उसके बाद जब कहा गया तो उन्होंने कहा कि खोल नहीं रहे हैं, तो एसडीओ साहब ने बोला कि आप सीसीएफ साहब से बात कर लीजिए रेंजर को, तो रेंजर ने बोला कि मैं क्यों करूँ, आपसे बोला है तो आप बात करिए, अब क्या सही क्या गलत ये रेंजर एसडीओ और सीसीएफ ही जानेंगे। अब आपकी शिकायत कहाँ है, आपका इसके बाद मुझको क्या कहना। मैंने 8 तारीख को अपने जो विभाग के प्रमुख सचिव हैं जब उनको मैंने संज्ञान में ला दिया है, तो अब मैं नहीं समझता कि मुझको किसी से कोई शिकायत या शिकवा है। मेरे इतने अति वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं जो प्रमुख है, उनको जो उचित लगेगा, जो वो लगेगा वो करेगा। मैं कभी नहीं चाहता किसी का नुकसान हो, कोई हो, मगर मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि वन विभाग एक ऐसा विभाग है जो सभी विभागों का सहयोग करता है और उसके अधिकारी को ही यदि ये, तो क्या मानवता का प्रदर्शन होगा इस कोरोना काल में। जैसा मैं तो इंदौर में पिछले साल 3 महीने लॉकडाउन में फंसा था और नौरतन बाग फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में था, वहाँ सीसीएफ नीनामा साहब, मिस्टर टी के सूलिया जी इतनी मेरी मदद करते थे, सब कुछ है, मैं तो वहाँ की व्यवस्था कैंपस की बनाता था। अब भैया जो है द्विवेदी जी की शिकायत सीधी सीधी है, केवल अपने विभाग से है, बाकी उन्हें कोई से नहीं है, लेकिन विभाग का जो उत्तरदायित्व निभाओ चाहिए, आओ चाहिए। मैडम आप कुछ मेरा ये कहना है कि मेरे साथ गलत हुआ तो हुआ, मगर भविष्य में ऐसा किसी अधिकारी के साथ व्यवहार न हो। मेरे को तो निश्चित रूप से शासन प्रशासन, मैं जहाँ भी रहा हूँ, सतना में भी था तो वहाँ भी मेरे जो पहले के कलेक्टर सत्येंद्र सिंह साहब थे, मुझे व्यक्तिगत जानते थे, वहाँ की एडीएम वर्तमान विमलेश सिंह जी, पहले आजकल टीकमगढ़ में हैं वो मिस्टर एसडीएम संस्कृति शर्मा जी, सब मुझे आपको संदेश का है, आपका क्या वो चाहते हैं। हमारा बस ये संदेश है कोरोना काल में हम एक दूसरे के लिए मदद करें, और इसको ये अछूत की बीमारी नहीं है, वायरल जरूर फैलता है मगर इससे बचते हुए हम लोगों की मदद कर सकते हैं।
कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो तो खुद ही परेशान और दुखी है। जो व्यवहार तो जिंदगी भर याद रहे छतरपुर को, के छतरपुर में हमारे संगे ऐसा व्यवहार हो, बिल्कुल ये तो जरूर याद रहेगा। मगर आगे लोगों को ऐसा व्यवहार ना मिले, हम ऐसी ही कामना करते हैं और ऐसा विश्वास है हमारा कि लोग इसको सुन के कम से कम ऐसा व्यवहार नहीं करें। मेरा तो मेरे वरिष्ठ अति वरिष्ठ अधिकारी भोपाल स्तर के सचिव महोदय से है कि मुझको दो चार दिन से यहाँ असुरक्षा की भावना भी मेरे मन में पनप गई है, जबकि जीवन में मैंने कभी अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं किया, दुर्गम क्षेत्रों में रह के आया। तो मेरा तो ये अनुरोध है शासन प्रशासन से कि मेरी परिस्थिति भले से यथावत यहाँ रहने दी जाए, मगर मुझको यदि भोपाल मुख्यालय में सतपुड़ा भवन में और मेरा आदेश में अभी मैं प्रतिनियुक्ति में हूँ या प्रबंध संचालक कार्यालय लघु वनोपज संघ खेल परिसर इंदिरा निकुंज में मुझको वहाँ पर संलग्न कर लिया जाए तो मैं वहाँ सहर्ष रह के ड्यूटी करने को तैयार हूँ। मेरी परिस्थिति यथावत छतरपुर में रखा जाए और जब मेरा आदेश संशोधित होगा तो मैं चला जाऊँगा, क्योंकि मुझे यहाँ अब दो तीन दिन से असुरक्षा तो कम घुटन महसूस हो रही है। और निश्चित रूप से आज 15वां दिन है, हमारी किसी से मुलाकात ही नहीं, हम दो पति पत्नी रह रहे हैं। निवेदन के बाद कल से हमारा टीवी चालू हुआ है, हमारा टीवी भी बंद था 8 दिन 9 दिन टीवी भी बंद रहा। परसों रात को मैंने आदरणीय परमार जी से निवेदन किया, SDO साहब से, उन्होंने कहा चालू कराते हैं। तो परसों रात को 10 बजे मेरा टीवी चालू हुआ। ये भैया समझ सकते हैं कि बिना टीवी के पति पत्नी एक कमरे में, और दूसरी चीज ये जो दो पैकेट रखे हैं खाने के, ये खाने के पैकेट जो हैं, ये कौन रख दिया, कैसे रख दिया, किस उद्देश्य से रख गया। यदि कोई ने मेरे को भोजन देने का प्रयास भी किया तो उसको फोन करके या नॉक करके बताना चाहिए था, मैं तो सशंकित हो गया। क्या 9 दिन में 4 तारीख के बाद 11 तारीख को ही खाना खाऊंगा मैं, 11 को ही खाना खाऊंगा और 11 से लेके आज 15 तारीख तक फिर खाना नहीं खाऊंगा। क्या मैं एक सप्ताह में क्या शेर हूँ कि एक सप्ताह का भोजन एक दिन में कर लेता हूँ। निश्चित रूप से शेर का जीवन जीने की इच्छा रखता हूँ, मगर शेर नहीं हूँ कि एक सप्ताह का भोजन एक दिन में कर लूँ। भैया अजय द्विवेदी SDO छतरपुर ट्रांसफर होके आए सतना से, उनकी व्यथा हमने आपका लाइव दिखाई, लाइव प्रस्तुति के माध्यम से, सीधे प्रसारण के माध्यम से, कि भैया ये एक अधिकारी के संगे अगर जो बर्ताव हो सकत तो सोचो आम आदमी की क्या स्थिति हुई है। उनने विशेष तौर से आग्रह करो है अपने विभाग से, करो उन्हें कहो की शिकायत नहीं करी, कहो की अवहेलना नहीं करी, के कोनू के आदेश की अवहेलना करी हुए, उन्हें तो ज्वाइन या आदेश मिलो भी आ गए। अब भैया सबसे बड़ो देखो कहते तो दलगत राजनीति जो दुनिया भर को जो चल ही रहो, भैया बुंदेली चुगली की खबरें बिल्कुल साफ नजर निष्पक्ष रहती। कोरोना काल में कोई कहूँ नहीं जाते, लेकिन द्विवेदी जी से हमारी जब भी बात भाई तो हमने आश्वासन दो तो कि हम आपकी खबर लाइव दिखवा भी। भैया बुंदेली चुगली ऐसी खबरें आप लोगों के बीच में लियाउत रहे दिखाउत रहे, जहाँ भी जो समस्या हुई है बुंदेली चुगली सेवा में सबकी हाजिर रात है रहे, जैसे हम इतना समाप्त कर रहे जा खबर, जब सेवा द्विवेदी जी की हती भैया बुंदेली चुगली सेवा के लाने जानो जात। अब भैया जब हम इतना खबर समाप्त कर रहे, दूसरी खबर लेके हम फिर हाजिर हो भी, आज अस्पताल की खबर हम आप लोगों का लाइव दिखवा भी कि अस्पताल में क्या हो रहा हो, क्या स्थिति में सुधार भाव का नहीं भाव, तब तक के लाने भैया और सभी जनन का हमारी राम राम।